three. One, two, 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 तो यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है, तो किस तरह से गाइडलाइन को पालन किया जा रहा है? हमने बच्चों को कहा है कि एक तो मास्क पहन के रखें, और मास्क बच्चों ने पहना हुआ है, और दूसरा जो सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा रखें वो भी रखा हुआ है, और जितनी भी जो गाइडलाइन है हमारी गवर्नमेंट की जो आ रही हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं बड़े हैप्पली यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं, और अपना जो नेशनल जो फेस्टिवल है बड़े खुशी खुशी से मना रहे हैं। जिस तरह से आप एक एजुकेशन के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो क्या कुछ इस कोरोना काल के चलते मैसेज देना चाहेंगे लोगों को और खासकर युवा वर्ग को? बस यही कहेंगे कि भाई जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जैसे को काम दिया है, ड्यूटी दी है, हमने उसको फॉलो करना है, और हमने किसी को फोर्स नहीं करना है। बच्चे यहाँ हमें सब ठीक हैं, सेहत उनकी ठीक है, और वो हैप्पी यहाँ पे काम कर रहे हैं। बताएं जो आज यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है 15 अगस्त के बारे में, किस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जा रही है? देखिए, हम 15 अगस्त की तैयारी बहुत मतलब जोश के साथ कर रहे हैं हम लोग, और बच्चे भी काफ़ी जोश में हैं, और लेकिन हमने पूरा सोशल डिस्टेंस का हमने पूरा रखा हुआ कि भाई मतलब जो प्रोटोकॉल जो है वो पूरे बराबर होने चाहिए बच्चों के साथ। तो आगे जो गाइडलाइंस होंगी गवर्नमेंट की तरफ से उसको हम फॉलो करेंगे, और इस जी जी उसको हम पूरा फॉलो करेंगे जो भी गवर्नमेंट की आपने जो गाइडलाइंस होंगी हमारी। तो हम चाहते हैं कि इस बार का 15 अगस्त जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाए। सर, जिस तरह से 2 साल से लगातार बच्चे तो काफ़ी खुश हैं इस बार, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत खुश हैं कि 2 साल के बाद वो बाहर आए हैं, तो मतलब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे काफ़ी। तो लेकिन हमने बच्चों को ये कहा कि भाई आप सोशल डिस्टेंस जो आपने रखना है और मास्क आपने पहनना है, जो प्रोटोकॉल उसको आपने पूरा निभाना है।